सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है उन तक सुसमाचार पहुँचाया जाए। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। आज आपकी समस्याओं का पार्ट खत्म हो जाएगा यीशु मसीह का नाम। आपके चिल्लाने से खत्म होगा आज चर्च। आपके हालेलुया बोलने से खत्म होगा आज। आप खुश नसीब लोग हैं। अपने पड़ोसी को बोलो तू बहुत लकी है। लेकिन बहुत सारे लोग इस समय सोच रहे होंगे कि मैं लकी कैसे हूं, मेरे ऊपर तो कर्जा है, मेरे ऊपर तो समस्याएं हैं, मेरे ऊपर तो प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको नहीं मालूम कि हर व्यक्ति को संडे चर्च आने की इजाजत नहीं है। हालेलुया, उनको इजाजत है जो चुने हुए हैं लोग हैं। आमीन। आप चुने हुए हैं, इसलिए आप यहाँ पर हैं। जब मैं रास्ते में आ रहा होता ना, और रास्ते में कोई सड़क में मोड़ छोले खा रहा होता है संडे के दिन, तो मैं उसको कार में बैठा बैठा हंस रहा होता हूँ, मैंने कहीं चुना हुआ नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, आज मुझे नहीं पता आप कौन से छोले खा कर आए हैं, लेकिन आज मेरा परमेश्वर आपको एक बेस्ट छोले खिलाने वाला है यीशु मसीह के नाम। यहोशू की किताब में पहले अध्याय में लिखा, कह रहे हैं कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बरकत दे, कितने लोग चाहते हैं कि आज मुझे छुटकारा दे परमेश्वर, मेरी जिंदगी में आशीष दे आज। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपको पता है। जब तक मैं आपको प्यार ना करूं तब तक परमेश्वर आपको प्यार नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को ये बात मालूम है, जब तक परमेश्वर का दास कलीसिया से प्यार ना करे तो परमेश्वर आपसे प्यार नहीं कर सकता। मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ी पर बुलाकर कहा, इन लोगों को जो 144,000 लोग हैं तेरे पास, इन्हें एक बेस्ट देश में लेकर जा, एक बेस्ट प्लेस पर लेकर जा, एक बेस्ट चीज इन्हें दिला। तो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर यीशु के बारे में, कह रहा है कि अगर आज आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब मिले आपको, आप चाहते हैं कि परमेश्वर के दर्शन हो, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की डिजायर आपके पास आए, आप चाहते हैं परमेश्वर का बेस्ट प्लान आपके पास आए, आमीन। चाहते हैं कि नहीं, हाँ या ना? यस। के सुक्के ही नाच रहे हैं लाला की तरह, जब से एक घंटे से जितने लोग नाच रहे हैं यहाँ पर, गा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, परमेश्वर ने मुझे कहा कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा तुम्हारे लिए। आमीन। तुम्हारा एक एक पसीना भी बहाना यहाँ पर, और गर्मी में ऐसे बोलना भी, पंखा झोलना भी, वो भी परमेश्वर उसका भी हिसाब आपको देगा, उसका भी प्रतिफल आपको देगा। अभी मेरे सामने ये लड़की बहुत ऊंची ऊंची, सबसे ऊंचा ये नाच रही थी व्हाइट सूट में, मैं इसको देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा, आपको कह रहा है कि सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पर वो ही जाएंगे जो वर्शिप में नाच रहे थे। आमीन। कह रहा है चाहते हैं आप, चाहते हैं कि नहीं? तो इसके साथ में लिखा, इतना हो कि तू हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। परमेश्वर ने कहा हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। बस अगर परमेश्वर से आप कुछ चाहते हो आज, तो भरोसा करके दृढ़ हो जाओ आज। क्या हो जाओ? दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ। आपके विचार कहें कुछ भी, लेकिन आपके विचार कुछ भी कहें, लेकिन आपका फैसला डगमगाना नहीं चाहिए। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन आपका विचार जो है आपके डगमगाना नहीं चाहिए। आपने कहना है कि इसी साल में मैं अपनी ब्लेसिंग लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी साल में अपना लेंटर डालूंगा, आमीन। मैं इसी साल में करे के दिखाऊंगा कि मैं चंगा होकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जो बेड पर हैं, बिस्तर पर हैं, मैंने एक पेशेंट रूम बनाया स्पेशल एसी रूम, जो ज्यादा पेशेंट होते हैं उनके लिए। हालेलुया, एसी लगे उनके अंदर। हालेलुया, उनके लिए मैं स्पेशल प्रार्थना करूंगा, आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि परमेश्वर सुनता है कि नहीं। हालेलुया, आपको विश्वास करना है,
आगे से आप ये गेट एक तरीके से बंद होगा और आगे से सीटें रिजर्व होंगी, जल्दी आना पड़ेगा आपको। करा इतना हो कि तू यहां बांधकर दृढ़ हो जा, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में तू चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल हो जाएगा। आमीन। समझ में आई बात? कह रहे कि जब तेरा दास, हाँ जब आप ये आनंद करना है, जब वचन सुनाया जाए और आपको अच्छा लगे तो उसमें आनंद किया करते हैं। आमीन। परमेश्वर आनंद करने वालों के घर जाएगा आज। आमीन। जब आपको वचन सुनाया गया, कह रहे कि परमेश्वर ने कहा क्या चाहते हो तुम, अगर आज परमेश्वर से कुछ चाहते हो तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा आज। वो कह रहे जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, बस इतना करना है। अपने पड़ोसी को बोलो बस इतना करना है, अपने फैसले को दृढ़ करना है। मेरा किराया लगे लेकिन मैं संडे चर्च आऊंगा, मेरी मां मुझे रोके, मुछो वाला रामलाल जी आपको डराए तो भी मैं आऊंगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मेरे विचार मुझे कुछ भी कहें लेकिन मैं तो भी आऊंगा। आमीन। ये कैमरे वाला मुझे डिस्टर्ब करें तो भी आऊंगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि कह रहा है कि मूसा को उसने कहा अगर तू परमेश्वर के दास मूसा के अनुसार चलाए चले, जो वो तुम्हें कहे उससे तुम दाएं बाएं ना मुड़ो, तो कह रहा है जिस काम पर हाथ लगाओगे, याद रखना ये भविष्यवाणी आपके लिए। आज ऑनलाइन चर्च जो ब्रांचों में बैठे हैं उनके लिए भविष्यवाणी है ये। आज नेपाल में ब्रांच ओपन हो रही है, हालेलुया। आज बटाले में, फतेहगढ़ चूड़िया में ब्रांच ओपन हो रही है, हालेलुया। अभी वो पोस्टर गलत लग गया, वो फतेहगढ़ चूड़िया में है, वो दूसरों को डराने के लिए था, असली पोस्टर बटाले में अभी लगना है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। नेपाल में, सुन रहे हो, अभी और जगह, कई जगह में देख रहा हूँ, जो कनाडा में एक और जगह ब्रांच ओपन हो रही है, हालेलुया। हालेलुया। आप देख रहे हैं कई कई जगह पर आज पोस्टर हैं, बोलती रहना सपना काम पर काम पर। आज बटाला में, फतेहगढ़ चूड़िया, कनाडा, मुक्सर, मुक्सर ब्रांच, हाँ, वेस्ट बंगाल, थर्ड ब्रांच, तीसरी, थर्ड ब्रांच, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार कॉर्नर पे है, हम पहुंच गए हैं, पंचकुला, पंचकुला, नेपाल, नेपाल। जोर से तारीफ करें। हालेलुया। आप विश्वास करें कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। yes. आप जहाँ कहेंगे वहां पर मैं ब्रांच खोलूंगा। हालेलुया। आप अपने घर की छत पे कहेंगे वहां भी खोलेंगे। सारे बोले हालेलुया। लेकिन आज जो परमेश्वर कहे वो करके दिखाओ बस। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज का वचन पवित्र आत्मा की जिंदगियों में आशीष को लेकर आए। आज मेरे पिता परमेश्वर जितने लोग यहां पर खड़े हैं पवित्र आत्मा, घंटों घंटों से मेरे पिता परमेश्वर इन्होंने तेरे सामने सिर झुकाया, प्रार्थनाएं की है परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आज से एक बड़ा प्लान सक्सेसफुल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके उतरने पाए, हर जुआ इनके कंधे से टूट जाए, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इनके ऊपर से शराब टूट जाए, जब ये अपने पापों से पश्चाताप करें पवित्र आत्मा जी। आज मेरे पिता नया जन्म ले, आज उद्धार को पाने पाए। पवित्र आत्मा तूने कहा कि जब तक कोई नया जन्म नए सिरे से जन्म ना ले तब तक वो उद्धार को नहीं पा सकता। कह रहे जो नए सिरे से नहीं जन्मा, करे वो मेरा जन्म, वो मेरा जन नहीं है, वो मेरा भक्त नहीं है। मेरे पिता हर संडे जब यहाँ पर लोग आते हैं हाथ उठाकर पश्चाताप करते हैं, मैं फैसला लेता हूँ कि परमेश्वर जो भी कोई गुनाह किया है किसी ने परमेश्वर, उसके लिए मैं आज तेरा याजक होने के नाते माफी मांगता हूँ परमेश्वर। और इसी समय प्रभु आज से इनके बच्चों का भला कर दे परमेश्वर। इनके फ्यूचर में आज परमेश्वर तू आ जा, इनकी नसों हड्डियों मांसपेशियों में तू आ जा परमेश्वर, क्योंकि ये संडे के दिन किसी कंपनी बाग में घूमने के लिए नहीं गए परमेश्वर। तो इन वॉलंटियर से प्यार कर परमेश्वर, स्क्वायर से प्यार कर परमेश्वर,
अपनी प्रजा से प्यार कर परमेश्वर, इन्हें बुद्धि दे परमेश्वर, जो हर ब्रांच में खड़े हुए इस समय परमेश्वर तेरे सामने हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर, हर एक ब्रांच को दिखाओ और खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके हाथों को देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर के सामने जितनी भेंट चढ़ाई जाती है, बैठ कर नहीं चढ़ाई जाती है, वो खड़े होकर चढ़ाई जाती है। परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाना, आपका ताड़ी बजाना भेंट चढ़ाना, आपके खड़े होना आपका भेंट चढ़ाना, आपका हालेलुया बोलना आपके लिए भेंट चढ़ाना, आपका आमीन बोलना आपके लिए भेंट चढ़ाना। परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार करेगा आज, आपके दर्द को वो ले लेगा आज, आज मेरे लोगों के दर्द को लेगा मेरा परमेश्वर आज, हर ब्रांच में कछुए तोड़ेगा वो आज, जो किसी बंधन में आज तोड़ेगा परमेश्वर आज। मैं देख रहा हूँ उन ब्रांचों को, हिसार ब्रांच, फतेहाबाद ब्रांच, बटाला, गुरदासपुर, फतेहगढ़ चूड़िया, नेपाल आदि समय, मुक्सर ब्रांच, होशियारपुर ब्रांच, कपूरथला ब्रांच, अमृतसर, धारीवाल ब्रांच, गुरदासपुर ब्रांच, और इसी समय फाजिलका, फिरोजपुर, भटिंडा, राजपुर और पटियाला, मोगा ब्रांच, चंडीगढ़ ब्रांच, जलंधर ब्रांच, परमेश्वर हेड ऑफिस, इस समय पवित्र आत्मा तूने इसे ठहराया मेरे पिता परमेश्वर। आज से पवित्र आत्मा जो इस समय मॉरिशस से, दुबई से, मलेशिया से, फिजी से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा से, हांगकांग से, पवित्र आत्मा जी जो देख रहे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा तुम मदद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक आशीष को खोल दे यीशु मसीह के नाम में, हर एक बरकत को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। अहमदाबाद में, गुजरात में परमेश्वर, गोवा में पवित्र आत्मा, हैदराबाद में पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में, बिहार में पवित्र आत्मा, जहां जहां हमारी ब्रांचे में, इसी समय इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय इनके लिए भविष्यवाणी करता हूँ। पवित्र आत्मा बोलता है कि अब तुम्हारे आंसू बहाने के दिन समाप्त हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। तुम पूरे 3.5 महीने बीतने के बाद करके अपने चेहरे पर स्माइल को देखोगे, अपने घर में आनंद को देखोगे, आमीन, अपने जीवन में उस बड़ी शांति को देखोगे, आमीन, क्योंकि तुम संडे के दिन किसी रेस्टोरेंट में नहीं, तुम आज खुदा के घर में आयो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा प्रकाशित वाक्य में, बोलता है एक सरकंडा लेकर नाप ले उन लोगों को, माप ले उस इंची टेप से, उस सरकंडे से माप ले उस डंडे से, करे जो लोग संडे के दिन भवन में खड़े हैं, करे कि मैं उन्हें आज आशीष देने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में, करे जो आंगन के बाहर हैं आज के दिन, करे उन्हें साइड में कर दे। आप समझ रहे हैं जो ऑनलाइन चर्च में भी हैं, संडे के दिन आप जब अपनी चर्चों में जाने के बाद भी ऑनलाइन चर्च हमारी चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, ये प्रोफेटिक मिस्ट्री है। जहाँ प्रॉफिट होता है वहाँ शांति होती है, आमीन, जहाँ प्रॉफिट होता है वो शहर, वो पंजाब ब्लेस होता है, आमीन, वो देश ब्लेस हो जाता है। आपके जिंदगियों में आज से ब्लेसिंग वाली आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में, आप छोटे लोग नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ GRSMNPKBN, जिनके पास होली स्पिरिट अन्य भाषा नहीं है, उनके पास ट्रांसफर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आपका लेवल बढ़ेगा, फिर से कहें गाइस, आरा दिना तेरी आरा, बोलो हालेलुया। सब लोग बैठ जाएं, बोलो यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। हाँ, किधर गया, किधर गया, सब लोग बैठो अपने स्थान पर। कितने लोग कहना चाहते हैं, कितने लोग आराधना करने के लिए तैयार हैं आज, सारे बोला हालेलुया। गाँव 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 उठी दही तेरी महिमा कर करके परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि परमेश्वर का आत्मा मुझे छुए, बोलो परमेश्वर का आत्मा मुझे छुए, परमेश्वर का आत्मा मुझे छुए। अगर आप आत्मा के चलाए चल रहे हैं तो जोर से हालेलुया बोलो आज। आपकी स्माइल ऊपर होनी चाहिए आज,
हाँ हाँ, स्माइल के साथ जोर से बोला हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ पर ऑनलाइन चर्च, मैं देख रहा हूँ जिसके नाम TRSPNGH, नवंबर महीना लिख लो, आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब के साथ आएंगे। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, घड़ी में टाइम देख लो, 12 बजे 1:30 बजे हैं। सारे बोला हालेलुया। विश्वास करना, परमेश्वर आपको अनुग्रह दे रहा है। ये लेडीज कम हियर, हाँ व्हाइट सूट वाली आगे बैठी, हाँ कम हियर, बाहर इधर आ जाओ, मैं बुला रहा हूँ बाहर। शाबाश, तारीफ करने। सारे बोला हालेलुया। हाँ विश्वास करना। हाँ हाँ बेटे इधर देखो। हाँ हाँ हाँ, कहाँ से हैं आप? कठुआ जम्मू से। हाँ दाली, हाँ हाँ कहाँ से आए हैं? कठुआ से, जम्मू से। कठुआ से जम्मू से जी। हाँ हाँ, तो उसको दिखा क्यों नहीं रहा? हाँ सुनो, आपके आपको पवित्र आत्मा में भरना है। दास पापा, देखो इसको एक दुष्ट आत्मा तंग करती है, होली स्पिरिट मेरे को बोल रहा है। देखो अभी वो दुष्ट आत्मा जाएगी और ये अन्य भाषा से भर जाएगी। आमीन। मित्र देख, मित्र देख, मित्र देख, मित्र देख, छोड़ दे इसको, और मैं इसके सिर पर आज से उस अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। फिर से कहो, बोलो जोर से, मैनू अपनी रूह दे नाल भरी दे, ऐ खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भरी दे, ऐ खुदा मैनू यीशु दे लहू दे नाल साफ करी दे। सारे बोलो हालेलुया। आज कॉइन मीटिंग है कि नहीं? yes. सब अपने अपने कॉइन को निकालो। शमश 20 का कॉइन आ गया मार्केट में। सारे बोलो हालेलुया। नए कॉइन के साथ, हाँ हाँ नए कॉइन के साथ, सब लोग अपने हाथों में पकड़ो उस कॉइन को, जो ऑनलाइन ब्रांचों में जो जहाँ पर भी है। शाबाश, जिसको लगता है कि मेरे ऊपर आर्थिक तंगी है, कर्जा है, आज आप आशीष को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको चाहिए आशीष आज? कोई अपनी चेयर से उठेगा नहीं लेफ्ट हैंड, और इसी समय अपने कॉइन को ऊपर उठाऊं। शाबाश, अपने कॉइन को ऊपर उठाऊं, नहीं है तो दोबारा भी मीटिंग होगी, दोबारा से मांग लेना किसी से। सारे बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु तू अनुग्रह दे परमेश्वर, कि आज पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर, जैसे तूने पत्रस को कहा कि पत्रस क्यों डिप्रेशन में है, क्यों चिंता में, क्यों परेशानी में, तेरा चिंता मत कर, तेरा टैक्स, तेरा कर्जा, तेरा परमेश्वर भरेगा। और जहां विश्वास के साथ अपने हृदय को दृढ़ कर और मेरी बात को सुन, ना दाएं ना बाएं मुड़ना, सीधा मछली मिलेगी तुझे एक रास्ते में, और उसी समय उस मछली का मुंह खोलने के बाद तुझे कॉइन मिलेगा। मेरे पिता परमेश्वर, तूने उसका कॉइन देने के बाद उस दिन से उसके जीवन में मिराकल करने शुरू कर दिए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, जो आज मैंने प्रार्थना करके ये कॉइन दिए इनको परमेश्वर, और जिनके हाथ में कॉइन है मेरे पिता परमेश्वर, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर ये कॉइन इनके ऊपर से वो गरीबी को हटाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये ब्लेस वाला कॉइन है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरे वचन में लिखा, जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा। जो मैं प्रार्थना करके आपको एक कॉइन दे रहा हूँ, आपको संभाल कर रखना, आज आपको खर्च नहीं करना इसको, आप इसको रखेंगे आपके घर में एंजल मनी डाल कर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आएगी आज से यीशु मसीह के नाम में, ग्राहक आएंगे आपकी दुकान पर यीशु मसीह के नाम में, फाइनेंस इंक्रीज होगा आपका यीशु मसीह के नाम में, हर चीज बढ़ेगी आज से यीशु मसीह के नाम में, आप अच्छे दिन को देखने पाएंगे। ये कॉइन आपके घर पर होगा,
अगर आपके घर में सैलरी खत्म होगी तो बहुत सारे एंजल आपके लिए वहां पर ठहरे होंगे। आमीन। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि ये कॉइन आज से पवित्र आत्मा जी इनके घर में आशीष को लेकर आए, यीशु मसीह के नाम में इनके बिजनेस को लेकर आए। आज से वो कॉइन पवित्र आत्मा जो सच में अनॉइंटिंग, वो मिराकल मनी आज से रिलीज करता हूँ इनके हाथों पर। इस समय जो मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आशीष को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनकी बरकतें खुल रही हैं यीशु मसीह के नाम में। ये कॉइन हर व्यक्ति के लिए, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान से, नेपाल से, इंडिया से, हांगकांग से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, मैं देख रहा हूँ इंडिया के हर कोने में आज परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है उन लोगों के ऊपर जो जुड़े हुए हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो अपनी बरकत को देख रहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। आशीष को देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। राजा रबा सना युवा परमेश्वर, इसी समय प्रभु तू खोल दे उस आशीष को, इन बच्चों की आशीष को खोल दे, खोल दे आदि यीशु मसीह के नाम में, खोल दे परमेश्वर इनके हाथों को इस समय, परमेश्वर खोल दे यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। सुनो यहाँ पर राजू कौन, राजू कम हियर, लाल जैकेट कम हियर। हालेलुया, हाँ हाँ माइक करो, शाबाश। देखो मैं स्टेज पर खड़ा हूँ और प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा है, इसे पूछो। देखो हाँ हाँ कैमरा तेरा लाली हटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। राजू, पापा राजू मेरा नाम है। राजू, राजू हाँ। तू मेरे को मिला कहीं पे? नहीं, लेफ्ट साइड एक बंदे को बुलाया मैंने, हाँ हाँ नहीं मिला। नहीं। सुनो देखो मेरे को होली स्पिरिट ने बोला, कहाँ से आए आप? जब यूपी से, यूपी से, यूपी से, जोरपुर जिला। हाँ हाँ सुनो ये जो कॉइन है 20 का, ये मैं देता नहीं किसी को, लेकिन पर आज मैं तेरे को दूंगा। हालेलुया। सुन रहे हो पापा? यस पापा। जितने कामों में तू फ्लॉप हो रहा है, यस पापा, आज से तू एक नई ब्लेसिंग को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। इसके बाद एक नई कार को तू देखेगा, यूपी में एक नई जमीन को देखेगा। आमीन। मैं तेरे लिए कितनी प्रोफेसियां कर रहा हूँ, नई जमीन को देखेगा, नई कार को देखेगा, नई ब्लेसिंग को देखेगा। आमीन। और कह रहा है कि आज से तेरे रोने के दिन समाप्त हो जाएंगे। जो लोग बोलते हैं कि तू कुछ नहीं करता, कह रहा है कि आज से ब्लेसिंग स्टार्ट होगी यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे हो? आप किसको जानते हो जिसके पास बेटा नहीं है? जो आपके कजन है, कजन कौन है वो जिसको आप जानते हो इसके पास बेटियां बेटियां बेटा नहीं है? याद आ रहा है आपको? किसको जानते हो ऐसे, किस कुछ पर्सन को जानते हो? आपको मिलेगा, ठीक है, आपको याद आएगा, वो जन आपके सामने आएगा। सुनो, और एक 18 और एक 19 और एक 20 तारीख, इन डेटों के अंदर अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा एक नया लेंटर पड़ेगा तुम्हारा यीशु मसीह नासरी के नाम में। ओ मेरे यीशु का मजा, मजा यीशु का, ओ मेरे यीशु का मजा, मजा यीशु का, ओ मेरे। सुनो मैं भविष्यता हूँ, मैं जो बोल दूंगा वो हो जाएगा। पता है बाइबल में लिखा नीति वचन के 16 के 1 में, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मुझे प्रभु इजाजत देते तो बोलता हूँ नीति। मैं तेरे को जानता नहीं हूँ तो मुझे कहीं पे मिला नहीं है, सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं आप। नीति वचन 16 के 1, सही कह रहे हैं, 16 के 1 में लिखा, कह रहे कि वहां पर लिखा मनुष्य के विचार जो है, yes. कुछ क्या लिखा पढ़े जरा, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। मन की युक्ति, मैंने क्या करना उसके वश में है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। आमीन। मुंह से कहना यहोवा की ओर से आता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? yes. आपके मन में जो भी सोचो बनने के लिए, yes, बाबा। लेकिन वो आप नहीं बन पाएंगे, yes, बाबा। जो मैं बना रहा हूँ, मेरा प्रभु आपको बना रहा है, yes. वो आप बनेंगे यीशु मसीह। yes. समझ रहे हैं? yes, एक बहुत बड़ी ब्रांच आप खुलवाएंगे उधर यीशु मसीह के नाम में। आपने ऐसा विचार किया
यस बाबा हाँ कम हियर यस चिक्के के पास आना है और देखो तुम अभी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है देखो अनॉइंटिंग को ले लो दुगना वरदान मुझे मिलने वाला है मैकर दुगना वरदान मुझे मिलेगा दुगना वरदान मिलने वाला मुझे हालेलुया तेरे घर में बसा यीशु तेरे घर में बसा क्योंकि ये अनॉइंटिंग है मैं कह रहा हूँ कि अभिषेक नहीं ये परमेश्वर के आत्मा के चलाए जो चलते हैं अनॉइंटिंग भी आ गई है प्रेजेंस भी आ गई है इसके पास रुक नहीं रहा ये रुक नहीं रहा क्यों नहीं रुक रहा क्योंकि वो इसको चला रहा है आस पास इसी समय वो अभिषेक आस पास आ रहा है आस पास यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन ब्लेस यीशु तेरे घर में बसा यीशु तेरे घर में बसा Jesus mete kiya ho ke ja
हालेलुया। सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, सब बैठ जाएंगे और हम गवाहियां लेंगे कि जिन लोगों ने विश्वास किया, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और खुदा ने उनके जीवन में गवाहियों को बनाया, हम गवाही लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, इन सभी की बहुत बड़ी गवाही है। जे भाई बता रहे हैं कि जी काफी टाइम से, जे बहन 10 साल से घर बनाना चाहते थे लेकिन बना नहीं पा रहे थे, जैसे ताजपुर चर्च में आए और प्रोफेसी को रिसीव किया, जे घर के साथ ब्लेस हो चुके हैं। सेवादार मूवी वाले कैमरे वाले सारे जय मसीह दी। और सब तो बड़ी गवाही यह है पास्टर जी कि प्रभु यीशु मसीह ने सानू जिंदा रखिया अज तक और अपनी हजूरी दे विच लैके आया। जोरदार ताड़ियां प्रभु यीशु मसीह दे नां दे, जोरदार ताड़ियां। और मेरे मैं विश्वास करता हां जिन्नी भी कलीसिया अज इत्थे बैठी आ कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, आशीष लैके जाणगे, बरकतां लैके जाणगे, चंगाइयां लैके जाणगे। गवाही, आपकी गवाही। और गवाही मेरी है कि बुधवार नूं स्पैशल मीटिंग सी और मैनूं मंगलवार बहुत ज्यादा बुखार सी और जदों सुबह बुधवार होया तो मैं घरदिआं नूं कहा भी चंडीगढ़ जाना, वो कहिंदे तुसीं दवाई लैके जाओ चंडीगढ़ चल जाओ। मैं क्या जिथे मैं जाना वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, हकीमों का हकीम है और प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, हर एक दे दुख सुनदा। प्रभु ने मैनूं सिफा दित्ती और मैं चंडीगढ़ गया। जदों इत्थों 2 बजे बस चली और सारे रास्ते से वर्षा करते गए, मेरे भरा मेरे नाल सी, भैणा ही मेरे नाल, बहुत चंगा लगा और प्रभु ने बहुत सारी आशीष और बरकत दित्ती। और कल भी मैनूं बुखार सी ते घर दे कहिंदे दवाई लै लो सवेरे चर्च जाना, मैं कहा दवाई नहीं लैनी, दवाई मेरा परमेश्वर ही मैनूं चंगा करन वाला परमेश्वर है, चोने चंगा कीता, अज मैं तुहाडे सामने खड़ा। जय मसीह दी, जय मसीह। ब्रदर की गवाही लेंगे। आप सबको जय मसीह की, पूरी क्लेशिया को जय मसीह की। मेरी गवाही यह है कि मैं 10 साल से मकान बनाना चाह रही थी और बना नहीं पा रही थी। एक दिन मैं चर्च में आई तो प्रोफेक्टिज बोल रहे थे कि जितने एम नाम वाले उनको मकान की ब्लेसिंग होने जा रही है और मैंने रिसीव किया और मेरा मकान 2023 में बन गया। हालेलुया। आपने गवाही को सुना कि ब्रदर ने बताया बीमार थे लेकिन विश्वास किया कि जब मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में चर्च में जाऊँगा खुदा मुझे चंगा करेगा और ब्रदर चंगे हुए और सिस्टर को घर की आशीष मिली। यदि आप भी चाहते हैं आपका काम कोई नहीं बन रहा तो आप भी खुदा की हजूरी में ज़रूर आएँ, संडे चर्च आएँ और खुदा आपके जीवन में भी गवाही को बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट गवाही की ओर जाएंगे, खुदा का थैंक्स करेंगे। नेक्स्ट गवाही, नेक्स्ट गवाही लेंगे। हालेलुया। पासी जी, इन सबकी बहुत बड़ी गवाही है। जे लोग अपनी गवाही में बता रहे हैं कि काफी समय से नशा करते थे, आजाद होना चाहते थे लेकिन नहीं हो पा रहे थे, जब जैतापुर चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, जे बता रहे हैं नशे से आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा देंगे गवाही। मैं 15 साल से दारू पीता था, मैं पिछले संडे को आया, जो है
साहब ने बताया ऐसे ऐसे कि मैं छोड़ दिया दारू, अब नहीं पीता हूं दारू। क्या बताया आप, बोले साहब है ना, प्रॉफिट जी कह रहे, कहते साहब ने बताया या? जी, जी, जी। प्रॉफिट जी ने क्या बोला कि जो नशा करते हैं आजाद होने के लिए जा रहे हैं? जी बताए, ऐसा ऐसा बताए, मैं समझ गया, प्रार्थना किया प्रभु जी से, और आप आजाद हो गए। नेक्स्ट ब्रदर की गवाही लेंगे। हालेलुया, सारी कलीसिया और सारी मिनिस्ट्री को जय मसीह की। मैं सितंबर महीने दे विच इत्थे रिसीव किया सी, 25 साल तो मैं नशा करता सी और वाटर और तेल यूज किया, मैं नशे तो आजाद हो गया। हालेलुया। नेक्स्ट। हालेलुया। सपना जी को नमस्कार और जय मसीह की। और 20 साल से मैं नशा करता था, वाटर बिलूल किया मैंने, नशा खत्म हो गया मेरा। हालेलुया। सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की, सपना दीदी को जय मसीह की। मेरी बाबा श्री था, 4 साल से मैंने वेल वाटर यूज किया और यहाँ की मट्टी खाई और मैं चंगी हो गई हूँ। चंगी होगी नी, मैं चंगी होगी, ओ चंगी होगी नी, मैं चंगी होगी नी, मैं चंगी होगी नी, मैं चंगी होगी। चाचा आपने गवाही सुनी, ब्रदर ने बताया कि फर्स्ट टाइम आया लास्ट संडे, परमेश्वर के दास बोल रहे थे कि जो वचन को सीख रहे हैं और प्रोफेटिक वर्ड रिसीव कर रहे हैं, खुदा उन्हें नशे से आजाद करने के लिए जा रहा है। ब्रदर बोलते कहते साहब ने बोला और मैंने रिसीव किया, मैं समझ गया कि क्या परमेश्वर मेरे जीवन में करना चाहता है, आज आजाद हो गया। सिस्टर ने बताया ये भी यहाँ से चर्च की मिट्टी को लेकर गई, खाई और खुदा ने नशे से आजाद किया। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज जैसे परमेश्वर के दास ने बोला कि यहाँ एनॉइंटिंग है, अगर आप विश्वास कर रहे हैं ऑनलाइन चर्च, आप जहां भी हैं, वही खुदा आपको आज चंगा करने के लिए सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम में। जोर से ताड़ियां बजाएंगे, खुदा का थैंक्स करेंगे। नेक्स्ट गवाही सुनेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट। ओ मीठा मीठा हंसने के खुल के ओ दसने के, मीठा मीठा हंसने के खुल के ओ दसने के, ओ मीठा मीठा हंसने के खुल के ओ दसने के, मीठा मीठा हंसने के खुल के ओ दसने के। अज तू आना नाल होवेगा, गवैया सुन के शैतान रोवेगा, गवैया सुन के शैतान रोवेगा, गवैया सुन के शैतान रोवेगा। पास्टर जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनके मदर पिछले दिन ही पूरे हाफ डेड हो चुके थे, 12 घंटे तक उनको बिल्कुल होश नहीं आया। जैसे इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, बता रहे हैं वो बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। चंगी होगी, मैं चंगी होगी, चंगी होगी। गवाही सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर सपना को जय मसीह और प्रॉफिट विजेंद्र को जय मसीह। और मेरी ये गवाही है, मेरी मदर एक हफ्ता से तबीयत खराब था, बुखार था, और अचानक कल दिन में 8 बजे से लेकर 11 बजे रात तक बेहोश थी। तो हम अभिषेक किया हुआ तेल यूज किया और चंगी हो गई है। हालेलुया। यह है विश्वास। जैसे परमेश्वर के दास कितने समय से एक वचन हमें बार बार गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। किसी यायर की बेटी भी बीमार थी और सूबेदार का जो प्रिय सेवक था वो भी बीमार था। उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, यीशु यदि तू यहीं से कह दे तो मेरा बच्चा, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आज आप भी जहाँ कहीं भी हैं, ब्रदर ने बताया कि परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक वर्ड कहे कि यदि कोई बीमार है, खुदा उसे चंगा करने के लिए जा रहा है। एनॉइंटिंग वाटर का इस्तेमाल किया, एनॉइंटिंग ऑयल को इस्तेमाल किया और इनकी गुड़िया आज बिल्कुल चंगी हो चुकी है यीशु के नाम में। चंगी हो गई, 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 चंगी हो गई। कितने को विश्वास है आज खुदा काम करने वाला है, तो बस विश्वास करें। आज परमेश्वर जीवन में आपके जहां पर भी आपको जरूरत है वहीं आकर आपसे बातचीत करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है, ये सभी जन अपनी गवाही में बता रहे हैं। इन सभी को इवन स्पीड की प्रॉब्लम थी,
और ये आजाद होना चाहते थे पर आजाद नहीं हो पा रहे थे, और जैसे ये ताजपुर चर्च में आए इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया और प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया। आज ये बता रहे हैं इवन स्पिरिट की प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं। मैं उछली उछल के नचा मैनू दर्शन होया यीशु दानी में मैं उछली उछल के नचा मैनु दर्शन होया यीशु दा सबको जय मसीह की। मेरे गवाही ये है कि मैं ना दुष्ट आत्माएं से जकड़ी हुई थी और मैं ना बेविचार में भी थी, क्या जैसे पहले ना जब मूर्ति पूजाओं में थी ज्यादा लोगों को जादू टोना सब कुछ करना झाड़ फूंक सब बच्चे को अपने पास लेके आते थे, जैसे होता नहीं कि जब बाबा लोग होते हैं कि किसी के बच्चे को झाड़ फूंक करना किसी को मतलब कि जैसे हम सोचते हैं कि हम ही महान हो गए है ना, जादू टोना करना किसी के बच्चे को झाड़ फूंक करना ताबीज बांधना ये सब मेरा काम हुआ करता था तब। ठीक है, आज से कम से कम 30-35 साल काम कर रही है सब चीजों का। आप कैसे अभी चंगे हुए, आप ये बताओ आप कैसे चंगे हुए दुष्ट आत्मा से? मैं दुष्ट आत्मा से चंगी हुई जब से मैं प्रभु को जानने लगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मैं नहीं जानती पहले, क्योंकि मैंने ना उनके बारे में बहुत भला बुरा कहती थी। आज आप खुदा की गवाही देने के लिए यहाँ पे आई हो? हाँ जी, आज ना फिर मैंने प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुआ और मैंने वो सारे काम जो काम करते थे वो सारे छूट गया और छूट गया। नेक्स्ट सिस्टर की गवाही, नेक्स्ट। पापा जी को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मैं 5 साल से दुष्ट आत्मा से परेशान थी जी, मैं अब ठीक हो गई हूँ। आप कैसे चंगे हुए? मैं वाटर और ऑयल लगाए और आप चंगी हो गई। नेक्स्ट ब्रदर की गवाही लेंगे, नेक्स्ट। सारी कैलसी को जय मसीह की। पापा जी को जय मसीह की। मेरी गवाही है कि मेरे पापा जी हाफ डेड हो गए थे तो मैंने प्रार्थना किया तेल लगा के तो उनको होश आ गया और डॉक्टर ने बताया इनको खून चढ़ेगा। फिर तो उसके बाद में मैंने मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे घर वाले बोले क्या करूँगा आपका, मेरा बाप ऊपर बैठा है वो सही करेगा। फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोला खून पूरा हो गया, कोई खून चढ़ने की जरूरत नहीं है। हेलो सर भैन भाइयों मेरी जय मसीह दी, पूरी संगत नू मेरी जय मसीह दी, जिन्हें भी इत्थे बैठे थे जो भी काम कर रहे सारे नू, सपना पास्टर जी ने बड़े पास्टर जी ने भी मेरी जय मसीह दी। मेरी गवाही जी मैं 2023 तो इतने आ रही, खुदा ने मेरे जीवन च बहुत काम किए। पर पिछले शुक्रवार असी जिस बस नाल आने नीलम आंटी नाल संगती नाल मेरे घर संगत ही, पर खुदा दे दास जदों भी साढ़े सपनियां चाहते ही वो मेरे बच्चों से ही दुआ करके जाते ही। पर जिसले मेरे बच्चों से दुआ करते मेरी बेटी बोलती कि मम्मी जदों भी अपने भरा का नाँ लैके कहती गौरव से दुआ होंगी ये चीकदा मम्मी ये दुष्ट आत्मा है। मैं कहा कोई नहीं आप दुआ करा लाँगे, पर आप स्पैशल बीज के अपने बेटे से भी मैं दुआ कराई सी 13 तरीक न पिछले महीने, खुदा ने वह भी जीवन बदल दिता। इस शुक्रवार पास्टर सिंह बजिंदर मिनिस्टरी की तरफ तो मैं अपने घर संगत रखाई दी ही, जदों खुदा दे दास ने मेरे घर च वचन भेजिया उत्थे मेरी बेटी दी जो दुष्ट आत्मा ही 3 साल तो वो मेरी बेटी उतो आजाद हो गई है। वह दुष्ट आत्मा सानू मैनू बहुत मार रही सी, मेरी लत्तां मार रही सी, कहती तेरी वजह नाल ही सारा कुछ होया कि तू इत्थे संगत रखाई तां वह दुष्ट आत्मा जिहड़ी जाहिर होई। वह कहती मैं बाइबल भी फाड़ देनी है, पास्टरां नाल भी बहुत विरोध कर रही थी। आपने रिसीव किया प्रेयर को, आपके सामने लाइन लगी हुई है चर्च जिनमें इविल स्पिरिट की प्रॉब्लम थी, प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किए। परमेश्वर के दास जब प्रार्थना करते हैं कि आप विश्वास करो खुदा का आत्मा आपको छू रहा है, आपके सामने लाइन लगी हुई है। ब्रदर ने बताया उनकी बॉडी में ब्लड कम था और विश्वास के साथ प्रोफेटिक वर्ड यूज किए, इस्तेमाल किए अपनी लाइफ में कि परमेश्वर के दास ने कहा है कि जिसका खून कम है खुदा बढ़ाने के लिए जा रहा है। एनॉइंटिंग वाटर और ऑयल का इस्तेमाल किया और सभी आज चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। मीठा मीठा हसन के खुल के ओ दसन गे गवाही सुनेंगे। हालेलुया पास्टर जी, बहुत बड़ी गवाही है जो बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं
कि जो काफी समय से शॉप के लेने के लिए ट्राई कर रहे थे पर इनको शॉप नहीं मिल रही थी। जे कैंडल मीटिंग में आए, इन्होंने घर जाकर कैंडल जलाकर प्रार्थना करी, आज जे बता रहे शॉप के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हेलो, सारों को जय एमसी की, पास्टर जी को भी जय एमसी की। मुझे बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली, बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली। क्या मिला आपको? बच्चे को ना बुटीक खुला के दिया। ओके, परमेश्वर के दास प्रोफेसी कर रहे थे कि आपके बिजनेस डेवलप होने के लिए जा रहे हैं, कोई बुटीक खोलने के लिए जा रहा है, कोई पार्लर खोलने के लिए जा रहा है। सिस्टर ने अपनी बेटी के लिए प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किए बुटीक के लिए। बुटीक बोल रहे हैं ना आप? बुटीक की आशीष मिल चुकी है यीशु मसीह के नाम में। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। अगली गवाही की ओर जाएंगे, परमेश्वर का थैंक्स करेंगे। नेक्स्ट गवाही। हालेलुया, पास्टर जी सिस्टर जी बहुत बड़ी गवाही है। ये गवाही में बता रहे हैं, इस सिस्टर ने सुसाइड कर लिया था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। उसे टाइम इन्होंने न्योंटिक ऑयल और वाटर यूज किया, फिर की उसी समय चंगी हो चुकी थी। राजियां दा राजा साडे नाल नाल रहंदा है, क्योंकि परमेश्वर के दास बार बार आपसे यही कहते हैं, यदि आपके पास अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल है, अगर आप इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर का अनुग्रह होगा। परमेश्वर के कलाम में लिखा कि कलीसिया के प्रधानों को बुलाओ, प्राचीनों को बुलाओ, वो तेल मलकर प्रार्थना करेंगे, आप चंगे हो जाएंगे। आप जब यहाँ से अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लेकर जाते हो, उसमें सामर्थ काम करता है, खुदा की अनॉइंटिंग काम करती है। इसीलिए देखो, बच्ची ने बताया कि प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ बच्ची ने जो कुछ भी खाया, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर लिया और खुदा ने बिल्कुल चंगा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियां बजाएंगे, खुदा का थैंक्स करेंगे जोर से। यस, सारी ब्रांचों का निकाल शाबाश, जो समय ब्रांच के घर का है परमेश्वर ने आशीष से यीशु मसीह के नाम में। इसी समय आप देख रहे हैं, मैं सब ब्रांचों के लिए दुआ कर रहा हूं, आप सब खड़े हो जाएं। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे आज? आप चाहते हैं ब्रांच वालों आपको आशीष दे आज? ये परमेश्वर है, आज आपको आशीष देगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, अपने कॉइन को फिर से उठाओ और ब्लेसिंग दे। इसी समय एक एक के ऊपर हाथ रखूंगा, हर ब्रांच के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। देखो, जब मैं वीरवार भी ऑनलाइन भी प्रोफेसी करता हूँ, लोग चंगाई को देखते हैं। मैं इसी समय प्रार्थना करने के बाद आपको मलेशिया ब्रांच की गवाही सुनाऊंगा। आप वीडियो में देखना कि ऐसे यहीं पर बैठकर मैंने एक लड़के के लिए, मलेशिया वाले के लिए प्रेयर किया था, और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी जिंदगी में काम हुआ। उसको गिल्टियां गांठें थी और उसको बताया, नाम बताया, उसकी प्रॉब्लम बताई प्रभु ने, और वो बिल्कुल चंगा हो गया। आज दुबई, मलेशिया, मॉरिशियस, संभालखा, दिल्ली, आप कहीं से भी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, हैदराबाद, आप जहां से भी ज्वाइन है, उत्तरांचल, अगरतला ब्रांच, आप जहां जहां से भी हैं, सारे स्क्रीन पर हैं, आपके लिए मैं प्रेयर करूंगा। यूपी, जहां से भी आप मुझे देख रहे हैं, मुजफ्फरनगर से, लखनऊ से आप मुझे देख रहे हैं, सहारनपुर से भी देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। नेपाल से भी आज देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए,
और ब्लेसिंग दे उन ब्रांचों को जो आज ओपन हो रही हैं, मुक्सर में भी, जर्मनी में भी, कनाडा में भी। परमेश्वर ने ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, आज इसी समय अपने कॉइन को उठाऊँ, अपने हाथों को उठाऊँ और उस समय बिलीव करो कि आज पवित्र आत्मा जी तेरा हाथ हमारे सिर पर आने पाए। ये परमेश्वर की ओर से अबा लबा शबा लबा। पवित्र आत्मा कहता है आज मैं देख रहा हूँ, कोई इस समय मुझे साइप्रस से देख रही है, नीतू, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। आपके चेहरे पर कोई स्किन एलर्जी है, अगर आप ब्रांच में तो दिखाएं, ऑनलाइन सुन रहे हैं तो आप इसी समय आपको हीलिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है जिसको स्किन एलर्जी हो चुकी है और उसको डर लग रहा है कोई डॉक्टर मुझे कैंसर ना बोल दे। आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, आप टूट चुके हैं। मैं आपको मॉरिशियस से देख रहा हूँ, आपके हाथ पैर बिल्कुल बदलते जा रहे हैं, स्किन बॉडी, आप बड़े अच्छे थे, आपका एक बड़ा अच्छा बिजनेस था, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया गया, ब्लैक मैजिक कर दिया गया। आपका एक नाम था, आपके न्यूज़पेपर में भी आपका नाम आया, आप लेकिन आप डाउन 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 जाते जा रहे हो। आज स्क्वाइन मीटिंग से आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ कि आप बढ़ोगे और आपके काम बनेंगे अब यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो मुझे इस समय दुबई से देख रहा हूँ कोई, मैं जिस देख रहा हूँ इसी समय SRG जिसके नाम है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा भी कि मैं आपके कामों को खोलने के लिए जा रहा हूँ। आप एक नई कार के साथ, नए घर के साथ, चाहे आप इंडिया में चाहे दुबई में आप लेंगे, परमेश्वर आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। जम्मू ब्रांच मैं देख रहा हूँ ऐसे कि बहुत सारे पेट के मरीज आज चंगे होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बटाला ब्रांच जो आमीन बोल रहे हैं वो आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ जो बाहर बैठे हैं जलंधर ब्रांच, आप सुनना है ध्यान से, मैं आप सबके ऊपर हाथ रख रहा हूँ, हर ब्रांच के ऊपर, और इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगी, परमेश्वर आशीष देगा आपको। मैं इसी समय कोलकाता, झारखंड, धारीवाल ब्रांच, अमृतसर और फाजिलका ब्रांच की बाहर आकर प्रेयर करूँगा। बाकी सब की मैं प्रेयर कर रहा हूँ इस समय, जो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अबा लबा शबा लबा। हर एक जन को सिखाओ, मैं हाथ रख रहा हूँ आपके ब्रांच के ऊपर। इसी समय साइप्रस, जर्मनी, कनाडा, यूक्रेन, मैं इसी समय कह रहा हूँ कि हांगकांग, और इसी समय थारीवाल ब्रांच, बटाला ब्रांच, दुबई ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, और इसी समय परमेश्वर हैदराबाद ब्रांच, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ब्रांच, अबा लबा शबा लबा। हर प्रकार का कर्ज आपके ऊपर से टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की बीमारी आपके ऊपर से जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का जुआ आपके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा मेरे हाथ रखते ही इनकी जिंदगियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आज इस समय पवित्र आत्मा जी इसी समय ब्लेसिंग मिले, और इसी समय परमेश्वर पुणे ब्रांच, महाराष्ट्र ब्रांच, इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग खुले। ये देखो, ये खोलो इसको, मैं इसी समय देखो, टच करे इस लड़की को यीशु मसीह के नाम में। इसी समय स्पर्श करे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, बीमार चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इस ब्रांच को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी सारी ब्रांचों को ब्लेस करता हूँ इसी समय। अबा लबा शबा लबा, पूना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड ब्रांच, इसी समय यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय कोलकाता ब्रांच को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी दिल्ली ब्रांच को इसी समय परमेश्वर, और इसी समय हाथ रखता हूँ मेरे प्रभु, आज से इनके ऊपर पवित्र आत्मा किसी भली वस्तु की घटी ना हो, क्योंकि तेरा कलाम बोलता है परमेश्वर कि तेरे दाहिने बाईने हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। मैं आज इनके ऊपर उस हाथ को रखकर आशीर्वाद देता हूँ, हैदराबाद में यीशु मसीह के नाम में, बेंगलोर में यीशु मसीह के नाम में, कर्नाटका में यीशु मसीह के नाम में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, दिल्ली में, इसी समय पवित्र आत्मा देहरादून में, यूपी में, बिहार में, इसी समय परमेश्वर ब्रांच में, फतेहाबाद में, हिसार में परमेश्वर, संभालखा में पवित्र आत्मा जी, आज किसी भी प्रकार की आंखों में कमजोरी इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, जलंधर ब्रांच में, बटाला, कपूरथला ब्रांच में, और इसी समय हिसार ब्रांच में, इस समय परमेश्वर
विनती करता हूँ फाजिलका ब्रांच के लिए भी परमेश्वर, और इसी समय होशियारपुर ब्रांच के लिए, जम्मू ब्रांच के लिए, इसी समय धारीवाल अमृतसर ब्रांच के लिए, चंडीगढ़ ब्रांच के लिए पिता परमेश्वर मैं हाथ रखता हूँ, हांगकांग ब्रांच के लिए भी, दुबई ब्रांच के लिए भी, और इसी समय परमेश्वर राजपुरा पटियाला ब्रांच के लिए भी परमेश्वर इसी समय मेरे हाथ रखने से इनके ऊपर से वो बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, वो शराब जाते रहे यीशु मसीह के नाम में, आउट निकल जाओ, 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 हर प्रकार का जुआ टूटे इनके ऊपर से, इसी समय गिल्टियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, शुगर बाहर जाए, और ऑस्ट्रेलिया ब्रांच के ऊपर से, न्यूजीलैंड ब्रांच के ऊपर से, मलेशिया ब्रांच के ऊपर से, मॉरिशियस ब्रांच के ऊपर से, दुबई ब्रांच के ऊपर से, इसी समय जो पवित्र आत्मा जी यहाँ पर परमेश्वर बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ किसी के ऊपर जादू टोने और आप बढ़ नहीं रहे हैं, इसी समय वो ब्लैक मैजिक बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, बाहर 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 यीशु मसीह नासरी के नाम से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, इसी समय पानीपत दिल्ली झारखंड और धारीवाल अमृतसर ब्रांच और इसी समय गुरदासपुर ब्रांच, इसी समय परमेश्वर बटाला ब्रांच, पवित्र आत्मा में इन सब के ऊपर हाथ रखता हूँ, और इसी समय शराब को तोड़ देता हूँ जो इनको कमाने नहीं दे रहे, जो इनके हाथों को कमाने नहीं दे रहे, ऊपर करो हाथ आज, आज आपके हाथों पर वो अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं इसी समय उस अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ इनके ऊपर, रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूँ इनके हाथों को, क्योंकि तेरे वचन में लिखा कि यीशु को तूने कहा कि तू दाइने बाइने ना मुड़ना, जैसा मूसा कहे वैसा करना, मैं तेरे हाथ के कामों को सफल करूंगा परमेश्वर, आज जो ये ब्रांचें पवित्र आत्मा तेरे दास से प्यार करती हैं परमेश्वर, और तेरे वचन को सुनने के भूखे और प्यासे हैं, आज ये पवित्र आत्मा जी आत्मा को पा कर जाए यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी बेदारी को लेकर जाए आज यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी ब्लेसिंग को खोलता हूँ इनके ऊपर यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक ब्रांच को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, इसी समय बीमारियां बाहर जाएं, व्हीलचेयर से खड़े हो जाएं, बेड पेशेंट आजाद हो जाएं, इसी समय यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए, अपने हाथों पर हाथ रख लो शाबाश, जिसको भी कहीं प्रॉब्लम है, जिस शरीर में, जिस हिस्से में, जलंधर में, कहीं पर भी कहीं प्रॉब्लम है, अपने सिर पे हाथ रखो, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, इसी समय आपके सिर के ऊपर से बंधन टूट जाए, सर्वाइकल बार, पथरियां बार, रसोलियां बार, कैंसर बार, इसी समय शुगर बार, हार्ट अटैक, जो प्रॉब्लम है किसी के बाल चेंज होने वाले हैं, कैंसल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, इसी समय नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, जिसके पास बेटे की आशीष नहीं है, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी समय ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा, इसी समय जो हाथ रखे हुए जिनके नाम NRS GHKPL M से P से डी से, आपको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में, मैं देख रहा हूँ जिनके नाम A से PRS, और मैं देख रहा हूँ कि W से V से G से H से C से I से D N नाम वाले घर बनाएंगे पूरे 3.5 महीने के बीतने के बाद यीशु मसीह के नाम में, आपको घर की आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आशीषें खुल जाएं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूँ सबको, सारी ब्रांचों को, कि अब से मैं हर संडे महीने, हर महीने 2 संडे मैं अलग अलग ब्रांचों में जाया करूँगा। हालेलुया, तैयारी करो, आपको पहले से बता दिया जाएगा कि प्रॉफिट जी किस ब्रांच में आ रहे हैं इस बार। हालेलुया, परमेश्वर आपको छूने के लिए जा रहा है, आपको खुशखबरी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको एक पोस्टर दिखाता हूँ, एक पोस्टर 7 मैं दिखा रहा हूँ आपको, कि ये मेरे स्पिरिचुअल सन है, आप एक पोस्टर को देखेंगे स्क्रीन पर, लाली दिखाएगा और परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, आज से इनकी आर्थिक तंगी का शराब टूट जाए प्रभु, इनके ऊपर मैं हाथ रखता हूँ इस समय परमेश्वर, और विश्वास करें क्योंकि तेरे दास के हाथ रखने से पवित्र आत्मा जी, आज मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी, इनके घर में से मेरे पिता वो गरीबी के बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आज से वो जो जॉब नहीं है जिनके पास, उनको मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, यह घोषणा करता हूँ, यह भविष्यवाणी है आपके लिए जिनके नाम मैं से देख रहा हूँ, MRSNGP A से D से N से B से, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में, तैयारी करो, ये पवित्र आत्मा है, और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि ब्रांच में एक वाइट कलर के, ब्लू कलर के, रेड कलर के, और ऐसे देख रहा हूँ कोई पीले कलर के ऐसे कपड़े पहनकर बैठे हैं, रेड कलर, येलो कलर, कोई ऐसे वाइट कलर, ब्लू कलर,
मैं आत्मा में होकर बोल रहा हूँ, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि उनके बच्चों को परमेश्वर एक नई कार के साथ ब्लेस करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इन्हें ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्यान से सुनना कि जो भी ब्रांचों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ लोग सिर्फ अनॉइंटिंग के पीछे भागते हैं। अनॉइंटिंग है हमारे पास मैं कहता हूँ, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस जब आएगी तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। याद रखना कि आपको परमेश्वर की प्रेजेंस के पीछे चलना है, इसका मतलब आत्मा को पाना है। जब आपके पास वचन होगा, आप आत्मा में होंगे तो परमेश्वर काम करेगा। जब मैं वचन सुनाऊंगा उसके बाद आपकी ज़िंदगियों में एक नया टेस्ट आएगा। और जो हमारे इस समय जो भी हमने जिनको स्टाफ को जिनको इमानजलिस्ट को रखा है वो इस समय आपके लिए प्रेयर करेंगे और परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। उस पोस्टर को मैं आपको बाहर आके दिखा रहा हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग देने परमेश्वर जिन लोगों के ऊपर मैंने हाथ रखे हैं उन्हें गुड न्यूज़ दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता हर एक ब्रांच जो सच में पवित्र आत्मा जी जुड़ी हुई है मेरे पिता परमेश्वर इनको ब्लेसिंग देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। राजस्थान ब्रांच को, अगरतला ब्रांच को, और इसी समय पूना ब्रांच को, अहमदाबाद ब्रांच को, गुजरात ब्रांच को इसी समय परमेश्वर ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और अहमदाबाद ब्रांच को पवित्र आत्मा जी, और इसी समय मेरे पिता परमेश्वर दया कर पवित्र आत्मा जी अंडोमान निकोबार में भी पवित्र आत्मा जी, मुक्सर में भी आज पवित्र आत्मा जी, और इसी समय मेरे पिता जर्मनी में कनाडा ब्रांच में भी परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आज से परमेश्वर तेरे काम खुल जाएं इन लोगों के यीशु मसीह नासरी के नाम में। तेरे काम करने वाले स्वर्गदूत आज नीचे उतरने पाएं यीशु मसीह के नाम में, इनके कामों को खोलने पाएं यीशु मसीह के नाम में, हर एक जन ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपकी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, आप अपने चर्च में उन गवाहियों को दो। परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिन ब्रांचों में इसी समय आप सुने बैठ कर गवाहियां और आप रिकॉर्ड करके भेजें हमें, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो इस समय आपको सबको बोल रहा हूँ आपके लिए गुड न्यूज़ है। और जो मेरे से प्यार करता है तो वो मेरे जन्मदिन पर जो कोई आना चाहता है परमेश्वर उसको आशीष दे। हम जन्मदिन मनाएंगे दोनों जगह, जलंधर और चंडीगढ़ चर्च में। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। और इसी समय जरा हाथ हिला के बता दो कि आप हमें प्यार करते हैं कि नहीं। हालेलुया परमेश्वर, जितने चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं आजाद हो रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया परमेश्वर आपको 100 गुना बरकत दे। ये जन्मदिन के दिन मैं कह रहा हूँ कि आज अपने एरिया में फ्लैग्स लगाओ, बताओ कि आज आपके प्रभु के दास का जन्मदिन है, आपके पापा का जन्मदिन है। जितने मुझे स्पिरिचुअल फादर मानते हैं याद रखना, जैसा बाप वैसा बेटा, आपके ऊपर जैसा पास्टर वैसी कलीसिया, आपके ऊपर सेम अनॉइंटिंग रिलीज होगी यीशु मसीह के नाम में। अपनी ट्रकों पर अपनी गाड़ियों पर लगा दो पोस्टर, अपने फेसबुक पर अपने यूट्यूब पर गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम गवाहियां सुनेंगे बाहर। हाँ जी सब लोग बैठ जाएंगे।